नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 220 वोल्ट के एक बल्ब को कैपेसिटिव टच स्विच द्वारा ऑन और ऑफ करना सिखाऊंगा। ठीक है, सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है। मैं एक आपको सिंपली कैपेसिटिव टच स्विच मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है ये सिखाऊंगा। इस मॉड्यूल के बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगा, कौन कौन से मोड में इसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको एक ऑप्टो कपलर आईसी के साथ कनेक्ट करके एक 220 वोल्ट के लोड को हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी रिले ड्राइवर मॉड्यूल के। ठीक है, तो आपको जो है मैं ये कैपेसिटिव टच स्विच पूरी तरह से यूज़ करना सिखाऊंगा। एंड तक वीडियो देखिए, आई होप आपको इतना पसंद आएगा कि आप घर में एक अप्लायंस को तो इस टच स्विच से कनेक्ट करके ऑन ऑफ करना जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे तक। दोस्तों, आज के वीडियो में जो कैपेसिटिव टच स्विच मॉड्यूल मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये बहुत ही लो कॉस्ट कैपेसिटिव टच स्विच मॉड्यूल है और ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों में परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, इतने से साइज़ में यहाँ पर 4 टच स्विच आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आर्डुनो के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बिना आर्डुनो के इसे यूज़ करना सीखेंगे। बिना आर्डुनो का यूज़ किए हम 230 वोल्ट का लोड हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे और इससे ऑन ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना ये मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड, आईओ और वीसीसी तीन पिन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेल हेडर लेंगे 3 पिन का और उसे हम कनेक्ट करेंगे इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रेक करता हूँ 3 पिन्स को और इनको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे हम फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि इसको आगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत हमें लगेगी, तो एक ब्रेडबोर्ड लेकर उस पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। ब्रेडबोर्ड में हम मेल हेडर को लगा देंगे और उसके ऊपर हम इस कैपेसिटिव टच मॉड्यूल को इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन तीनों पिन्स को सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर पिन्स बहुत ही ज़्यादा पास पास है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इसे सोल्डर करना रहेगा, लेकिन फिर भी हमें पर्याप्त स्पेस मिल जाती है इसे सोल्डर करने के लिए। तो मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसे। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमने यहाँ सोल्डरिंग कर दी है। ठीक है, ये कैपेसिटिव मॉड्यूल जो है काफ़ी छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटी साइज़ में ये आता है, लेकिन बहुत ही ये इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों पिन्स इसमें जोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ ये। ठीक है, तो इसकी पिन्स जो है, हम जैसा कि जानते हैं कि इसमें ग्राउंड है, एक वीसीसी है और एक आउटपुट है। तो अगर मैं इस मॉड्यूल को इस प्रकार से पकड़ता हूँ तो ऊपर की तरफ जो पिन है वो ग्राउंड है, बीच में जो है वो आउटपुट और नीचे की ओर जो है वीसीसी। ठीक है, तो इस तरफ पकड़ने पर हमें यहाँ पर राइट साइड में वीसीसी मिलता है और लेफ्ट साइड में ग्राउंड और सेंटर में आउटपुट। तो इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर देता हूँ ब्रेडबोर्ड पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए, ये जो हमारा ब्रेडबोर्ड है, देखिए इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया। अब हम 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देंगे, 5 वोल्ट पॉजिटिव और नीचे वाले ट्रैक पर 5 वोल्ट नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव को हम वीसीसी से जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके अब मैं आपको बताता हूँ। ये रेड वाला वायर हम लेंगे, जंपर वायर, और इससे हम जो वीसीसी है इस मॉड्यूल का उसे हम कनेक्ट करते हैं इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर वाले ट्रैक पर। इस प्रकार से यहाँ पर हमने पॉजिटिव सप्लाई देना है और नीचे की ओर जो यहाँ पर ये ट्रैक है इसमें हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो हम एक ये येलो वायर लेता हूँ, जंपर वायर, और इसके थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम नेगेटिव देंगे 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाले ट्रैक से इसको जोड़ दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक LED। LED में हम जानते हैं बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव पिन को यहाँ पर नीचे की ओर ट्रैक पे लगाते हैं और जो इसका नेगेटिव है LED का, उसको ऊपर जो नेगेटिव हम ट्रैक दिया है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ओके, और अब यहाँ से जो पॉजिटिव है उसे हम एक 100 ओम के रेसिस्टर के थ्रू LED से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल का जो आउटपुट है उसे हम 100 ओम के रेसिस्टर के थ्रू LED के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक,
इस प्रकार कनेक्शन करने के बाद हमारी वायरिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है पहले टेस्ट मॉड्यूल के लिए। ठीक है, ये पहला टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये आउटपुट जो है हाई पल्स देता है, ये चेक होगी। अब हम यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई एक यूएसबी केबल से, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मेल हेडर लगाए हैं जिसमें रेड वाला वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वायर को ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ जोड़ता हूँ ब्रेडबोर्ड में। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे टच करता हूँ तो ये एलईडी हाई हो जाती है। नीचे भी एक एलईडी है मॉड्यूल में और यहाँ भी एक एलईडी आप देख पा रहे होंगे। तो जब तक मैं इसे छू के रखता हूँ तब तक ये एलईडी ऑन होती है। आप देख सकते हैं कितना सेंसिटिव है, मैं पूरी तरह टच नहीं करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं फिंगर इस पर टच नहीं हो रही प्लेट पे, फिर भी ये जो है हाई पल्स देने लग गया है, आउटपुट हाई देने लग गया है। ये कैपेसिटिव टच का बेनिफिट है कि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ओके, तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने टेस्ट कर लिया है कि मॉड्यूल वर्क कर रहा है, हम इस मॉड्यूल के और क्या क्या मोड है वो हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो केवल किस प्रकार टेस्ट करना था ये हमने टेस्ट कर लिया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने देखा किस प्रकार हम इस मॉड्यूल का यूज़ करके एक मोमेंट्री ऑन ऑफ स्विच बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो एलईडी लगाई है वो मोमेंट्री ऑन होती है, जब तक हम इसे टच करके रखते हैं तभी तक ऑन रहती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटी है। छोटे से मॉड्यूल में और भी कुछ फैसिलिटीज़ है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और अच्छा सर्किट बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में जो तीन वायर से तीन पॉइंट से ये ग्राउंड आउटपुट और वीसीसी के, ये मैं अभी तक समझा चुका हूँ और इसका कनेक्शन भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दो जंपर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ए और नीचे की तरफ ये बी, तो ये क्या काम आते हैं मैं बता देता हूँ। अगर ए वाला ओपन है तो ये आउटपुट हाई देगा जिसका हमने यूज़ कर लिया है अभी। ठीक है, अगर मैं इनको शॉर्ट करता हूँ तो इसका आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आउटपुट आएगा। और ये बी वाला जंपर अगर ओपन है तो ये मोमेंट्री स्विच का काम करेगा, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देते हैं तो ये एक ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, एक बार टच करने पे ऑन होगा और दूसरी बार टच करने पे ऑफ होगा। देखिए अभी जब तक मैं उंगली रखा है तब तक ये ऑन हो रहा है, ठीक है, हटाते ही ये ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये मोमेंट्री में है, जैसे ही मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा बी को तो ये ऑन ऑफ स्विच बन जाएगा। ठीक है, टॉगल स्विच, एक बार में ये ऑन होगा दूसरी बार में ऑफ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एलईडी है, ये एलईडी वही है जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये रेड रोशनी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो रेड एलईडी। इसके अलावा यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा के इस मॉड्यूल की सेंसिटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं इस बी को शॉर्ट कर देता हूँ, ये बी वाला जो जंपर है इसको शॉर्ट कर देता हूँ और आपको बताऊँगा किस तरह हम इसका टॉगल स्विच बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग वायर का यूज़ करके इसे सोल्डर कर देता हूँ। अगर ये आसानी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पतला वायर यूज़ करके इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बी वाला जो ये जंपर है इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ए अभी भी ओपन है और बी को हमने शॉर्ट कर दिया है, और अब मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा देता हूँ कि वीसीसी जो है रेड वायर पर और ग्राउंड जो है येलो वायर पर कनेक्ट हो जाए इस प्रकार। ठीक है, अभी मैं आप देखेंगे कि मैं इसको ये 5 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है और अब मैं इसको एक बार टच करता हूँ तो एक बार टच करने पे ये ऑन हो गया है और अब ऑन ही रहेगा जब तक अगली बार मैं इसे टच नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये पहले जो है मोमेंट्री स्विच था और अब ये टॉगल स्विच बन चुका है, एक बार ऑन करता है और एक बार ऑफ करता है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आ गया हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिए, लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। इसके आगे अब मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार हम 230 वोल्ट के बल्ब को ऑन और ऑफ कर पाएंगे सेम सर्किट का यूज़ करके। ठीक है, हम कोई एलईडी बल्ब भी इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं 210 वोल्ट का, और हम चाहे तो हमारे घर में जो डिमर वाले जो ये बल्ब होते हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार के बल्ब का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आगे CFL का यूज। दोस्तों, ये हमारा 210 वोल्ट का एलईडी बल्ब है और आप देख सकते हैं इस पावर सॉकेट के थ्रू मैं इसे लाइव और न्यूट्रल देता हूँ जिससे बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, और इसे हमें इस कैपेसिटी स्विच से ऑपरेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये स्विच ऑन ऑफ का है इस बल्ब का, और इसे हमें यहाँ यूज़ करना है कि इस टच से ये ऑन ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
दोस्तों 220 वोल्ट का लोड ऑपरेट करने के लिए हम ये ऑप्टोकॉपलर आईसी का यूज़ करेंगे। ये ऑप्टोकॉपलर आईसी जो है ये MOC 3021 है और इसका पिन आउट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहली जो दो पिन देख रहे हैं ये वाली एनोड है, इसके अंदर इनबिल्ट क्या होता है कि एक एलईडी होती है, उस एलईडी का एनोड ये है और पिन नंबर टू उसका कैथोड है, मतलब नेगेटिव का पिन है। ओके, और यहाँ पर जो है ये दो पिंस आउटपुट की है, कौन कौन सी, पिन नंबर फोर और पिन नंबर सिक्स। ये पिन नंबर फोर है और इधर ये पिन नंबर सिक्स, ये आउटपुट की, मतलब हमारा लोड यहाँ पर कनेक्ट होगा एक स्विच की तरह। ओके, तो इस आईसी को मैं अब ब्रेडबोर्ड पर लगा देता हूँ और आपको कनेक्शन बता देता हूँ किस तरह से इसे हम कैपेसिटी स्विच से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सीडेंटली इसका पावर ऑन रह गया था, मैं इसे यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो एनोड की पिन है इस आईसी की, ये इसे हम एक रेसिस्टर के थ्रू इस मॉड्यूल के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो रेसिस्टर जो हम यूज़ करेंगे वो 100 ओम का रहेगा, ये रहा, और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ एनोड पर और इसके दूसरे सिरे को कनेक्ट करता हूँ मैं इस मॉड्यूल के आउटपुट पर। ओके, तो इसे पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा और अब इसको हमें नेगेटिव देना रहेगा आईसी को, तो आईसी को नेगेटिव हम एक वायर के थ्रू देंगे, एक वायर जंपर वायर यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम ऊपर जो नेगेटिव ट्रैक है वहाँ तक, मतलब यहाँ तक। ओके, इस ट्रैक में कहीं भी, तो हम एक वायर का यूज़ करेंगे और इस वायर के एक सिरे को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर और दूसरा सिरा जो है ऊपर नेगेटिव वाले ट्रैक पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वायरिंग जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब हमें केवल इसमें 220 वोल्ट के वायर्स कनेक्ट करने हैं। तो चलिए वापस हमारे बल्ब की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने बल्ब को ग्लो किया था। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस बल्ब के दो वायर्स जो है इस सॉकेट तक आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक वायर को मैं ब्रेक कर देता हूँ और ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम हमारी जो ये आईसी है इस आईसी की पिन नंबर फोर और सिक्स पर लगा देंगे। जी हाँ, किसी भी वायर को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सिरों में से कोई भी हम फोर पे जोड़ सकते हैं और कोई सा भी सिरा इसको हम सिक्स पर जोड़ सकते हैं इस आईसी की पिन पर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस प्रकार और स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने एसी सप्लाई दे दिया है बल्ब को, लेकिन बल्ब ऑन नहीं हुआ है क्योंकि जब तक हम ये 5 वोल्ट हमारे मॉड्यूल को नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेगा। हमने अभी 5 वोल्ट मॉड्यूल को भी दे दिए हैं, अब हम जब इसे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बल्ब ऑन हो गया और अगली बार जब इसे वापस टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी एसी अप्लायंस को हम इस टॉगल स्विच द्वारा ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसको बनाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे, किसी रिले ड्राइवर की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, जानना चाहूंगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।